अपने लिए मैंने अपना फेवरेट मंगाया है रेड बुल, और इसके बारे में तो जितने हमारे फॉलोअर्स हैं या फिर जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा कि आई लाइक सम टाइम नहीं लॉट्स ऑफ टाइम आई लाइक मेरा नाखून गया, खोल नहीं पा रही। बताओ मेरे नाखून में चोट लग गया, उसके बावजूद भी मैं खोलने की ट्राई किए जा रही हूँ। दिस इज सोस हाउ मच आई लव रेड बुल। या इट्स रियली नाइस। नाइस। मैं कुछ भी करती हूँ जब मेरा दिमाग काम नहीं करता है, तो मैं कुछ भी करती हूँ जब मेरा दिमाग काम नहीं करता ना, तो बताती हूँ मैं इससे हरिओम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का भी जाप कर देते हैं। आप समझ सकते हो आप मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं फिर कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और मैं सो के जग गई हूँ। और वैसे तो आज मुझे प्रेजेंटेशन के लिए जाना था, बट बात ऐसा है कि मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन के लिए इसलिए नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, और आज जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होगा वो ऑनलाइन ही होने वाला है। सॉरी, मेरे बाल कुछ टूट के बेड पर गिर गए हैं। जितने भी हमारे प्रेजेंटेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है। सो ऑलरेडी मैंने अपना लैपटॉप खोल के रेडी रखा है, अभी नहीं होने वाला है। वैसे तो 10:30 होने वाला है, बट मुझे लगता है प्रिपरेशन मुझे अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। सो आई परफॉर्म लाइक आई परफॉर्म बेटर। सो अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं। मॉर्निंग में आप जगी गए हैं तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं। वैसे जा रही हूँ, थोड़ा ब्रश वगैरह करके आती हूँ, कुछ ब्रेकफास्ट मंगाती हूँ अपने लिए, ब्रेकफास्ट करते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा शॉपिंग करने भी चली जाऊँगी। सो आज का बस यही है पूरा दिन का शेड्यूल। बाकी आप हमारा ब्लॉग देखते रहिए, ढेर सारा प्यार कीजिए, इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। अभी के लिए बस इतना ही। ब्रश वगैरह करते हैं, देन उसके उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ किया करना है। आपको पता है मैं यहाँ भी बैठ सकती हूँ। मैं यहाँ भी ऐसे पूरी तरीके से आराम से बैठ सकती हूँ बैठने के लिए। वैसे तो ये आप देखेंगे, वैसे तो ये कॉफी वगैरह बनाने के लिए जगह है, बट मैं इस पे बैठ भी जाती हूँ। ये हमारा आप कह सकते हो कला है, कला। मेरा पेट, खैर इसको इग्नोर करते हैं। चलिए ब्रश करते हैं पहले तो। छोटू सा टूथपेस्ट है, इसको इजीली आप कैरी कर सकते हो, तो इससे बना लेते हैं शाम। आपको नहीं दिखेगा, वो मेरी कलाकारी है ना, तो वो सबको नहीं दिखता है, वो किसी किसी को दिखता है। सुबह सुबह मैंने अपना फेस वॉश वगैरह भी कर लिया है, और फेस वॉश के बाद काफी मुझे रिफ्रेश सा फील हो रहा है। और मुंह हाथ पोछने के बाद मैं ना आज आप लोगों को वैसे एक और चीज़ भी बताने वाली हूँ। मैं अपने फेस को किस चीज़ से मॉइस्चराइज करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। सो अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। आफ्टर फेस वॉश आपको मेरे फेस पे कम आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे। वैसे हमारे फेस पे, मेरे फेस पे
भर भर के स्पॉट्स हैं, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपका स्किन कितना हेल्दी है। सो स्किन हेल्दी के लिए आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। तो मैं करती हूँ फॉक्सटेल का, ये मॉइस्चराइजर काफी बेहतरीन है। मतलब लाइक मैं इसके बारे में जितना आपको बताऊंगी वो उतना कम है। सो ये मैं मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। सो चलिए इसको यूज करके बताती हूँ। तो मैं यूज करने वाली हूँ ये फॉक्सटेल का जो मॉइस्चराइजर होता है वो। सो चलिए इसको लेंगे हाथ पे थोड़ा सा लाइक दिस क्वांटिटी। इसको करेंगे पहले वहां वहां जहां पे आपको स्पॉट्स है उसको पहले टारगेट करेंगे। सो आई हैव ऑन नोज एंड ऑन चीक एज वेल, सो वहां भी करेंगे और फिर दोनों हाथ से इसको करेंगे रफ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हो गया हमारा डन। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं लिप बाम में क्या यूज करने वाली हूँ। हाँ, सो आफ्टर उसके बाद लाइक आफ्टर मॉइस्चराइजर मैं यूज करूंगी लिप बाम डॉट एंड की का। जो ये लिप बाम है बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मुझे पसंद है, बहुत अच्छा है। सो देखिए मैं एक ही हाथ से इसको खोल रही हूँ। ऐसा कुछ है इसके अंदर, ऐसा कुछ लिब्बा में। मैंने अपने लिए लंच ऑर्डर कर लिया है और मैं रेडबुल बोलना भूल गई हूँ, तो रेडबुल भी बोल देती हूँ साथ में। हेलो, यस, मेरे ऑर्डर के साथ ना एक रेडबुल भी ऐड कर देना। नहीं नहीं बूंदी रायता नहीं है, एक रेड बुल ऐड कर देना। हाँ ठीक, थैंक यू। मंगा लिया है ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए मेरे प्रेजेंटेशन के लिए। एक्चुअली रेड बुल तो मुझे नहीं एनर्जी देगा, बट आई लाइक, सो इस वजह से मैंने मंगाया है। थैंक यू। थोड़ा ना अभी नहा वहा करके मुझे शॉपिंग करने भी जाना है। और मेरे कान में कुछ हो गया था। Yes, you can see here something happen. आए हैं आलू पराठे, रेड बुल एंड इडली फ्राई। सो मैं यहाँ पे पहले खाने वाली हूँ इडली फ्राई। ओ माई गॉड, इडली फ्राई तो इतना कड़क है ये। बट अच्छा है। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, कुछ अपने लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें, छोटी बहुत चीज़ें मैं अपने लिए ले लेती हूँ, तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। सो चलिए आप लोग हमारा ब्लॉग देखते रहिए और ढेर सारा प्यार कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय। क्लाउड इतना मस्त लग रहा है ना कि पूछिए मत, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई एम इंजॉइंग दिस वेदर। यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की हूँ अभी। मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मुझे लेना क्या है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। एक ये मैंने ड्रेस ट्राई करा है जो मुझे पसंद आ रहा है और साथ में लेने वाली भी हूँ। गुड इवनिंग गाइज, आफ्टर शॉपिंग यू गाइज नो कि मैंने जो शॉपिंग किया है, ये इतना पूरा भर के शॉपिंग किया है। और शॉपिंग के बाद वापस आने के बाद मैंने मंगाया है अपने लिए चाय और भजिया। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ चाय और भजिया। तो चलिए चाय और भजिया का एंजॉय लेते हैं एक साथ।
यहाँ पे पी रहे हैं चाय और भजिया। इट्स रियली नाइस। भजिया टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। नाइस। वो सब तो ठीक है बट मुझे इतना भजिया देख के परेशान हो रही हूँ कि इतना भजिया खाएगा कौन। बट है बहुत अच्छा। और रात को मुझे नींद नहीं आ रहा था तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूं कि ऐसा कि मुझे नींद आने लग जाए। मैं इतना जंप की कि मैं थक गई और मुझे नींद आ गया।